देश में एक ओर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी द्वारा संसद में आंख मारे जाने को लेकर आलोचना हो रही है, वहीं कांग्रेस के नेता इसे गलत नहीं मानते हैं। हाल ही में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया ने राहुल के आंख मारने को गलत नहीं ठहराया था, वहीं अब कांग्रेस नेत्री नगमा ने भी इसे लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस नेत्री नगमा ने कहा कि संसद में राहुल गांधी की आंख मारने को लेकर मीडिया में इसे गलत प्रचारित किया गया। बात ये हो रही थी कि संसद के मर्यादा के अनुशासन के अनुसार क्या सही है और क्या सही नहीं है, तो अगर ये सही नहीं है तो वो भी सही नहीं है, मेरा बोलने का मतलब ये था। और हम मुद्दे से बहुत ज्यादा बाहर जाके बात कर रहे हैं, अब मुद्दे पे आ जाएं तो ज्यादा बेहतर है। वहीं नगमा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर भी बड़ा बयान दिया है। नगमा ने कहा कि यदि राहुल का आंख मारना गलत है तो फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा सदन में किसी नेता को धमकी देना भी संसदीय प्रणाली के विपरीत है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद में विपक्ष के नेताओं को धमकी देते हैं। लेकिन मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि जिसको धमकी दी गई है वो ही अपनी धमकी बता देगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। लेकिन मैं नाम वो सारी डिटेल्स मैं आपको नहीं बता सकती। इसके अलावा नगमा ने मध्य प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर भी कई तरह के बयान दिए। उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश में जनता परेशान है और मुख्यमंत्री उनसे झूठे वादे कर रहे हैं। कांग्रेस के स्टार प्रचारक रहे नगमा ने अभिनेत्री कंगना रनौत पर भी निशाना साधा। प्रधानमंत्री की तारीफ किए जाने वाले मुद्दे पर बोलते हुए नगमा ने कहा कि कंगना तो सिर्फ सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह के बयान देती हैं। कंगना पॉलिटिकली कौन है? एक एक्ट्रेस है, उसका टाइम अभी कौन यूज कर रहा है? कोई यूज नहीं कर रहा है। वो अपने आप को प्रसिद्ध करने के लिए कभी करण जौहर के बारे में बुरा बोलती है, कभी ऋतिक रोशन के बारे में बुरा बोलती है, अभी नरेंद्र मोदी जी के बारे में अच्छा बोल देंगी, बस सुर्खियों में रहने के लिए ये सब करती है। लेकिन सोसाइटी के लिए क्या कर रही है? या उन्हें क्या पता कि बेटी बचाओ में, बेटी पढ़ाओ में आंदोलन में हो क्या रहा है? कुल मिलाकर इंदौर में कांग्रेस नेत्री ने केंद्रीय नेतृत्व को चुनौती देते हुए आगामी विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि देश में जिस तरह से अपराध बढ़ रहे हैं, जिस तरह से लोग परेशान हैं, कांग्रेस की यदि सरकार बनती है तो हर तबके को लाभ पहुंचाने का कार्य किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टैलेंटेड इंडिया। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।